पहले ब्रश करते हैं फिर नाश्ता करते हैं। नहीं गाइस, हम लोग थोड़े देर में करेंगे। आलू हमारे पक्के थे तो अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब मिला देंगे हम लोग आमचूर पाउडर, इसमें हमने कच्चा सरसों का तेल डाल दिया थोड़ा सा, और कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। ये हमारा हरी मिर्च और लहसुन, करेंगे हम लोग टमाटर। चटनी बनके तैयार हो गई है। आप ये गाइस गुड मॉर्निंग, आज सो के उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, ठंड ज़्यादा थी तो अभी उठा हूँ, जा रहा हूँ, अभी ब्रश करूँगा, फ्रेश होगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट में हम लोग ने डिसाइड किया है आलू का पराठा बनाने के लिए, तो चलिए अभी दिखाते हैं उसकी मेकिंग। और ये आलू चढ़ा दिया है हम लोग ने कुकर में, ये कम से कम 10 से 15 मिनट में पक जाएगा। क्या हो गया बेटा, सुबह सुबह उठ के आए हो, क्या प्रॉब्लम? उठने काम। चलो ब्रश करो, चल के नाश्ता करो, खेले। पहले ब्रश करते हैं फिर नाश्ता करते हैं, एक बार खेले। हाँ उसके बाद हम लोग खेलेंगे। नहीं गाइस, हम लोग थोड़े देर में करेंगे। अच्छा ठीक है। आलू हमारे पक्के तैयार हो चुके हैं, अब इनको रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। आलू हमारे ठंडे हो चुके थे, अब इनको अच्छे से मैश कर लेते हैं और मिलाते हैं इनमें मसाले। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और मिलाते हैं हरा मिर्चा, और ये है कटी हुई प्याज, और इसके बाद डालेंगे हम लोग ढेर सारी धनिया। अब मिला देंगे हम लोग आमचूर पाउडर और थोड़ा सा भुना जीरा, इसके बाद हम लोग मिलाएंगे सौंफ, और इसमें हमने कच्चा सरसों का तेल डाल दिया थोड़ा सा, इससे चिकनाहट आ जाती है आलू में, और कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। हम लोग की फिलिंग तैयार हो गई है। अब कर लेते हैं धनिया की चटनी बनाने का प्रिपरेशन। ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे लहसुन, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च, और पहले इसको हम लोग करेंगे ग्राइंड। ये हमारा हरी मिर्च और लहसुन ग्राइंड हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम लोग टमाटर, और फिर इसमें ऐड करते हैं हरी धनिया। हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, और साथ में इसके डालेंगे आमचूर पाउडर, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसको कर लेंगे अच्छे से ग्राइंड। सो गाइस, हमारी धनिया और लहसुन की चटनी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब चलिए देखते हैं अपने पराठे की मेकिंग। सो गाइज, आप देख सकते हैं हमारा गर्मा गर्म पराठा और चटनी बनके तैयार हो गया है। काफ़ी गर्म है अभी तो, बहुत बढ़िया। मैं पराठे का मजा लेता हूँ, आप लोग भी कुछ खाइए पीजिए। तो गाइज, इसे करने जा रहे हैं टेस्ट। काफ़ी टेस्टी बना है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहे हमारे चैनल पे। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।